परिवर्तन गुट से चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे उम्मीदवारों के मन में क्या चल रहा है, वह क्यों और किस तरह बदलाव चाहते हैं, इसके बारे में आज उन्होंने बात की। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। चाईबासा चेंबर के करीब 400 मतदाताओं से सहयोग की अपील की और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का भरोसा भी दिलाया। अब देखना है कि दूसरा गुट इनके सवालों का जवाब किस तरह से देता है, क्या रणनीति बनाता है। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस गुटबाजी ने चेंबर के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। 400 सदस्यों से अपील करता हूं, हमें और हमारी टीम को भारी मतों से विजय बनाएं और हम इसके लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के निष्ठापूर्ण तरीके से आगे की जितने भी व्यवसाय हित में कार्य होगा उसको करने के लिए तत्पर हैं। अभी तक जो भी भूल हुई है चैम्बर के सदस्यों के द्वारा उनको सुधारा जाएगा और डोर टू डोर जैसे कहा गया है कि लोगों से संपर्क साध कर उनके व्यवसाय के लिए उनको हम लोग क्या मदद कर सकते हैं उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लोग क्यों चाईबासा के व्यवसायी जो और चैम्बर के सदस्य आप लोगों को क्यों जिताएंगे, मतलब काम तो वो लोग भी व्यवसाय हित में कर रहा है, जो भूल आप डिफरेंट क्या करेंगे? डिफरेंट ऐसा है कि व्यवसाय हित में अभी तक सही पूछेगा तो कार्य हुआ नहीं, लोगों का भी मानना है और हम लोग भी देखते आ रहे हैं क्योंकि हम लोग इसके अंदर में करीब 8-10 साल रहे हैं पदों पर, विभिन्न पदों पर, और हम लोग ने महसूस किया है क्योंकि हम लोग को उस लेवल में नहीं थे कि हम लोग कुछ कर चुके हैं। यहाँ पर मेन होता है अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, बाद बाकी पोस्ट इसी तरह होता है कि वही, तो उसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये शुरू से ही प्रक्रिया जो चल रही है वो सही नहीं है, इस पर बदलाव की ज़रूरत है। इन परिवर्तन में आने का मकसद मेरा इतना है कि मैं पूर्व में जिस पोस्ट में रहा हूँ और मैंने जो कार्यशैली देखी है, कहीं ना कहीं हम व्यापारियों का बात उसमें दबा रह जाता है। AGM में कोई क्वेश्चन किया जाता है या व्यापारियों के द्वारा कोई प्रॉब्लम रखा जाता है तो उसको वहीं पर ही दबा दिया जाता है या AGM में एक साधारण कागज़ में लिख के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं जैसे ही आऊँ पहले AGM का जो आपका क्वेश्चन है, जो आम व्यापारियों का प्रॉब्लम है, उसको मैं तत्काल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टीम के द्वारा कोशिश करूँगा। मेरा सचिव पद पे लड़ने का मकसद यही है कि जो सचिव बनकर किसी की बात सुनकर जो कहे वो कर देते हैं, वैसे प्रत्याशी को जिताना और बैठाना ये चेंबर का दुर्भाग्य है। मेरा शुरू से विभिन्न संस्थाओं में हमेशा यही विरोध रहा है कि अगर सही है तो आप उस पर काम करिए और विरोध है तो विरोध सही है भी नहीं और विरोध करिए। अगर आप विरोध का कर ही नहीं रहे, उसका विरोध ही नहीं कर रहे किसी गलत चीज़ का, तो फिर आपको उस पद पर आना ही नहीं चाहिए। किसी भी संस्था में किसी भी पद पर, चाहे वो कार्यकारिणी सदस्य हो या अध्यक्ष हो या सचिव हो, जो जीतते उनका अपना दायित्व तो होता है कि हम विरोध के खिलाफ लड़े, क्योंकि जनता ने हमें जिताया है विश्वास करके, न कि किसी का रबड़ स्टाम्प बन कर। अभी जो चेंबर में हो रहा है वह एज ए रबर स्टाम्प बनकर काम हो रहा है, ड्राफ्ट बना करके लाते हैं मीटिंग में, ये निर्णय लिए हाँ कर दीजिए। जब अभी परिवर्तन किया गया संविधान में कि 7 लोगों को क्यों, 21 पदाधिकारी हैं तो 14 का समर्थन, तो उसका विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि 7 तो उनके अपने घर के बच्चे हैं जो उनको जो बोलेंगे कर देंगे, कोई दबाव में करता है, कोई डर से करता है, और मेरा हमेशा विरोध रहा है। इसलिए मैंने पूर्व में भी चुनाव लड़ा और अपने अकेले बलबूते पर चेंबर की भलाई के लिए लड़ा और उसमें मुझे समर्थन मिला, 130 मत दिया। मैंने हार कर भी जीत हासिल की, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अकेले लड़ा 340 मेंबरों के बीच जाकर। बाकी किसी लोबिंग में अगर जीता तो वो क्या जीता, और आज 2 साल में क्या हुआ चेंबर में, सिर्फ पुष्पगुच्छ देना और उनको विदाई करना और आने पर बधाई देना। मेरा मानना है कि चेंबर हित में, चेंबर के व्यापारियों के लिए, अगर उसके लिए मुझे चेंबर से ऊपर भी जाके करना पड़े कार्य, तो मैं व्यापारी हित के लिए करूँ। किसी भी संस्था में कोष का बहुत महत्व रहता है,
और जब कोष जमा हो जाता है तो फिर उस कोष की राशि को तितर बितर करने में कुछ लोग लग जाते हैं, और इसी तितर बितर को रोकने के लिए मैं इस पद पर खड़ा हुआ हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी तरह का कोई भी आई वी ए का खर्चा उसको पूरी पारदर्शिता के साथ में चैम्बर के सदस्यों के समक्ष में रखूं, ताकि किसी को कोई संशय न रहे कि भाई हमारा पैसा का दुरुपयोग हो। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए मैंने इस पद पर अपना प्रत्याशी नामांकन पत्र भरा है, और टीम परिवर्तन के लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। और मैं अपनी तरफ से ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि चैम्बर के कोष का दुरुपयोग किसी भी हालत में होने नहीं दूंगा, उसका सदा सदुपयोग करूंगा। ऐसे भी चाईबासा की शहर मुझे जानती है, इस चाईबासा शहर में जो भी धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं उसमें हर जगह तो नहीं लेकिन अधिकतर जगह पे मुझे ही कोषाध्यक्ष बनाया गया है, और मैंने उस कोष का सदा सदुपयोग करते हुए कार्यक्रम को निष्पादित करवाया। और कुछ कुछ संस्था में कुछ कोष अभी बची हुई है, जो उसका भी हिसाब किताब मेरे पास में है, अगर कोई लेना चाहे तो मैं देने को तैयार हूँ। बस मैं चाईबासा चैम्बर के कोष को किसी भी तरह से दुरुपयोग होने से बचाकर उसका सदुपयोग करूं, इसलिए मैं इस पद पर